दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। आज एक नया सेशन यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, साथ ही मैं आज बता देना चाहता हूं, ये जो सेशन है एक डाउट सेशन है और इस सेशन के अंदर आज हम आपको यहाँ पर लगभग 180 क्वेश्चन से वो जो डाउट वाले प्रश्न है वो यहाँ पर हम आपको करवाने वाले हैं। तो आपको बने रहना है इस क्लास के एंड तक। ये एक क्लास नहीं है, ये आपके लगभग आपके सिलेबस का रिवीजन होगा। जो सबसे ज़्यादा डाउट वाले प्रश्न होते हैं उन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारा जो ऑनलाइन बेच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही मैं बता देता हूँ कोर्स के अंदर अब एक क्रेश कोर्स चलेगा। क्रेश कोर्स का मतलब है हम फटाफट लगभग आपको बता देता हूँ, मैं 12 से 13 घंटे में हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे। 12 से 13 घंटे में आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है उसका निचोड़ हम देने का प्रयास करेंगे। तो आपने अगर अभी तक जो कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं। स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो तुरंत जाके आप है दोस्तों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बता देता हूँ आज 25 तारीख है और 26 तारीख को पूरे दिन है वो दोस्तों इस पर ऑफर रहेगा। 26 तारीख को है, पूरे दिन ऑफर रहेगा। ये कोर्स मात्र आपको 333 रुपये में मिलेगा, तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। 333 रुपये में कंप्लीट कॉम्बो जो कोर्स है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल ऑफर है, साथ ही 26 सितंबर को रहेगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे इस आज की क्लास में, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। अगर आपका इसमें भी कोई डाउट रहता है तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, नोट पेन कॉपी अपने पास में रखेंगे। नोट पेन कॉपी से उस डाउट को लिखेंगे और तुरंत रासर के पास में व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आपको ऐसा करना है। शुरू करते हैं पहला आज का यहां से प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहां पे है लर्नर। पहला शब्द ही गलत हो गया, पता नहीं क्लास कैसी होगी आज की, ठीक है। लर्नर लाइसेंस कहाँ पर मान्य होता है, केवल उसी राज्य में या पूरे भारत में? बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ ये पूरे भारत में मान्य होता है। कहाँ पे माना होता है? पूरे भारत में। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं, लर्निंग लाइसेंस से स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन आप कहाँ पर करेंगे? तो इसका जवाब है केवल उस राज्य में जिससे आपने लर्निंग जारी करवाया है। मतलब जैसे मैंने राजस्थान से कोई आपने लाइसेंस जारी करवाया है तो अब मैं आप पे राजस्थान के ही किसी आरटीओ से यहाँ पे स्थायी लाइसेंस है उसके लिए आवेदन कर सकता हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये नियम दोस्तों 2019 से पहले थोड़ा अलग था। 2019 से पहले क्या था, केवल वही आरटीओ जहाँ से आपने लर्निंग जारी करवाया है। लेकिन नया नियम क्या है, अब आप उस राज्य में कहीं से करवा सकते हैं। तो इस नियम को भी आप ध्यान से देखना है, ये केवल उस राज्य को जो शब्द आया है, ओनली जो स्टेट जिससे आपने लर्निंग जारी करवाया है, ये नियम भी 2019 के बाद आया है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। धारा 8 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो चेंज है धारा 8 में हुआ है। प्रश्न संख्या 2 आपका आपके सामने है, बिना पगडंडी के सड़क पर यात्री को कहाँ पर चलना चाहिए? अब ये पगडंडी क्या होती है, इसे ही दोस्तों आप फुटपाथ बोलते हैं, फुटपाथ भी इसी को कहते हैं और दोस्तों पैदल पारपत भी इसी को कहते हैं। अगर बिना पगडंडी के, बिना फुटपाथ के, बिना आपके पैदल पारपत की सड़क यहां पे अगर रोड है तो आपको उसमें उल्टी साइड में चलना है, दाईं साइड में चलना है, राइट साइड में चलना है। इस बात को आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। पेड कोर्स यूजर्स को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्रिंट के लिए, आपको चिंता नहीं करनी है। बाकी यूजर्स जो हैं इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन जो पेड यूजर्स हैं उनको दोस्तों इसकी पीडीएफ प्रिंट के लिए मिल जाएगी। तो आपको इसको इस क्लास को लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक नाम जो होते हैं उनको आप लिख सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलता हूं मैं, नंबर 3, एकांगी मार्ग का आशय होता है एक साइड में यान प्रतिबंध या एक तरफा रास्ता। दोस्तों जो एक गोल संकेत होता है, एक एरो जा रहा होता है, एक आ रहा होता है, इनमें से एक को काट दें, मतलब दो रास्ते थे एक को काट दिया गया, बचा क्या, एक। यानी कि इसका मतलब ये भी है एक तरफा रास्ता और इसका मतलब ये भी है कि एक तरफ एक साइड में यान पर प्रतिबंध, यानी कि दोनों मतलब इसके होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, दो मतलब है। पहला, एक साइड में यान प्रतिबंध, बिल्कुल दोस्तों एक को काट दिया हमने, इसका मतलब ये भी होता है एक तरफा रास्ता और इसी एक तरफ रास्ते को यहां पर एकांगी मार्ग के नाम से जाना गया है। प्रश्न संख्या 4 है, सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाएंगे तो आपकी उम्र वो 18 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन चलाने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 20 साल होनी चाहिए। तो ये जो सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन चलाना और सार्वजनिक स्थान पर केवल गाड़ी चलाना, इन दोनों क्वेश्चन में काफ़ी अंतर है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा। आपने धारा 3 पढ़ी होगी, उसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर कार चलाने के लिए 18 साल और सार्वजनिक स्थान पर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए 20 साल की उम्र चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है,
प्राइवेट वाहन को कितने साल की उम्र का व्यक्ति चला सकता है। प्राइवेट वाहन जो होता है, निजी जो वाहन जिसे हम कहते हैं, तो प्राइवेट वाहन यहाँ पे 18 साल का व्यक्ति चला सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देखना है, अगर यहाँ पे सार्वजनिक स्थान पर आपको परिवहन गाड़ी की बात आ जाए तो वो 20 साल होगा। वाहन पार्क करते समय पार्क कैसे करें या क्या ध्यान आपको रखना चाहिए, इंजन बंद होना चाहिए, न्यूट्रल में होनी चाहिए, हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए, रात में सड़क किनारे हो तो पार्किंग लाइट भी होनी चाहिए। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है पार्किंग आप अगर आप करते हैं। दोस्तों दिन में पार्किंग करते हैं, रोड के किनारे पर पार्क नहीं करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर पार्किंग लाइट ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। पार्किंग लाइट को ऑन करने की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब आप किसी रोड के किनारे और रात के समय या दिन के समय भी अगर आप मतलब कि रोड के किनारे की बात आ जाती है, रोड के किनारे की बात आ जाए तो आपको पार्किंग लाइट ऑन करनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पार्किंग लाइट का रंग कैसा होता है, येलो होता है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, क्लच ऑयल का ग्रेड कैसा होता है, क्लच ऑयल का ग्रेड कौन सा होता है। सबसे पहली बात तो SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, SAE का पूरा नाम आपको याद रखना है। और जो क्लच ऑयल है इसका ग्रेड क्या होता है, सबसे पहले बता देता हूँ, DOT 3 और DOT 4 ये इसके ग्रेड हैं। वो 40,000 किलोमीटर पर लगभग आपको बदल लेना चाहिए। ये एक वेरिएबल क्वेश्चन है कितने किलोमीटर पर बदलें, तो इस पर ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। नंबर 9 है ब्रेक ऑयल का ग्रेड, वही क्लच का सेम है, ब्रेक और क्लच का सेम जो बदलना चाहिए, DOT 3 और DOT 4। एम्बर लाइट का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों एम्बर लाइट जो होती है वो इसका रंग पीला होता है, जो येलो लाइट होती है उसी को एम्बर लाइट बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एम्बर लाइट का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। एम्बर का मतलब निकास, रुको या चौराया खाली करो, ये तीनों मतलब इसके होते हैं। यानी येलो लाइट जब ऑन हो जाती है तो और आप चौराहे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि भैया जल्दी चौराया खाली कर दे क्योंकि रेड लाइट होने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब चौराया खाली करो भी होता है। रुको जब आप चौराहे से बाहर हैं और दूर से आ रहे हैं और येलो लाइट ऑन हो जाती है या एम्बर लाइट ऑन हो जाती है तो इसका मतलब होता है भैया आप स्टॉप लाइन से पहले रुक जाना। और निकास, निकास इन चौराया खाली करो का ही निकास कहा जाता है। अब प्रश्न क्या आता है, निकास संकेत किस रंग में होता है, एम्बर में, येलो, संतरा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एम्बर को प्राथमिकता देनी है, येलो को 2 नंबर पे रखना है आपको, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। नंबर 12 है वाहन के डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल या ऑयल ग्रेड डाला जाता है। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर आपने 140 बता दिया, कुछ कह रहे हैं सर यहाँ तो 90 आएगा। तो मैं बता देता हूँ डिफरेंशियल के लिए जो सबसे ज़्यादा आपकी जो ऑयल के ग्रेड होते हैं वो ये 3 आपके सामने मैंने रखे हैं, 75W90, 75W140 और 80W90। ये तो 3 जो ग्रेड हैं वो डिफरेंशियल में काम आने वाले सबसे ज़्यादा जो है वो होते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 90 वाला भी सही है और 140 वाला भी सही है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें ऐसी वेरिएबल होती है, जैसे देखो मैं बात करता हूँ, इंजन ऑयल के ग्रेड भी लगभग 15 से 20 हो सकते हैं, तो आप इनका फिक्स जवाब नहीं ले सकते, ठीक है। फिर भी आपको इंजन ऑयल में 30 से 40 के आसपास का जो ऐसे ही नंबर है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 13 है हेडलाइट का डिपर का उपयोग कब करना चाहिए। अब ये डिपर होता क्या है साला पता नहीं, पहली तो बात तो ये है। अब डिपर किसे कहेंगे, आप ये सोचेंगे ये डिपर क्या होता है, कुछ कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। डिपर का मैं मतलब बताता हूँ, इसका संबंध है हेडलाइट से पहली बात तो। इसका मतलब क्या, डिपर को हम अंग्रेजी में लिखते हैं डिपर, ये रहा डिपर। डीप यानी होता है दोस्तों गहरा, डीप यानी गहरा या मंद करना। और डीपर का मतलब आ गया आप इस लाइट को क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। अब आप डीपर का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, आप सोचो। डीपर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप एक गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हैं, एक गाड़ी को आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्या करेंगे, डीपर देंगे और सामने वाली गाड़ी को यह संकेत देंगे कि भैया मैं आपके पीछे हूं और मैं आपको ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा हूं, क्या इजाजत है, या आप सावचेत हो जाओ मैं आपको ओवरटेक कर रहा हूं। यानी कि ओवरटेक करते समय आगे चल रहे वाहन को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करवाने के लिए हम डीपर का प्रयोग करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कोहरे में या धुंध में, ऐसा कुछ नहीं है। हेडलाइट का जो डीपर होता है, हेडलाइट डीपर का मतलब होता है आप ऑन ऑफ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता चेतावनी लाइट जो होती है वो अगर आप कोहरे में यूज करते तो दूसरी बात थी, लेकिन आप हेडलाइट को आप बार बार ऊपर नीचे थोड़ी करेंगे। कोहरे में भी अगर आप हेडलाइट को ऊपर नीचे करेंगे, धुंध में करेंगे, तो फिर तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, हेडलाइट का जो डीपर है वो केवल ओवरटेक के समय अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। पिस्टन पर स्लोट का कारण क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है।
एक दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, अब ये स्लॉट कैसा होता है, पिस्टन ऐसा होता है, आप सभी को पता होगा, ये इस पिस्टन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा कट लगा होता है, ऐसा आप ऐसा मान सकते हो, एक साइड में ऐसा कट होता है, एक खड़ा भी होता है और यहाँ पर ऐसे भी चलता है वो। अब ये कट क्यों होता है, ये कट इसलिए होता है कि अगर पिस्टन अधिक गर्म हो गया, आप सभी को पता है जो धातु है वो ज़्यादा गर्म होगी तो वो फैल भी सकती है, सिकुड़ भी सकती है, अगर फैल जाती है गर्म होके तो वो पिस्टन तो सिलेंडर के अंदर फंस जाएगा। इस असुविधा से बचने के लिए इस पर स्लॉट काट दिया जाता है। अब यार कुछ लोग कहते हैं इसको हल्का करने के लिए, तो भैया इस एक कट के कारण क्या हल्का हो जाएगा क्या? तो हल्का करने से जरूरी है कि आप इसके अंदर से खोखला कर दो इसको, ऐसे कट क्यों लगा रहे हो? यानी कि कट का उद्देश्य होता है पिस्टन है वो गर्म होकर फैले नहीं, फैल कर सिलेंडर के अंदर जाम न हो जाए, इसलिए सिलेंडर के सॉरी पिस्टन के ऊपर है वो स्लॉट काटा जाता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखते हैं, अभी यहाँ पे लिखा है मैंने व्यास स्थिर रहे और गर्म होने से फैल कर सिलेंडर में जाम न हो, एकदम सही आंसर साथियों, पर्सन सिंगल नो है। न्यूनतम स्पीड का नियम क्या है, किन स्थितियों में वाहन की स्पीड को 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए न्यूनतम स्पीड? साथियों एक क्लास में मैंने इसका आंसर आपको 40 गलती से बता दिया था, बल्कि आप सभी को पता है मैंने कई बार मैंने कम से कम कोई 20-25 बार बता दिया है इसका आंसर 25 होता है, ठीक है, लेकिन उस क्लास में भी पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ गया था, इसकी मैंने 25 की जगह 40 बता दिया, तो आपको डरना नहीं है। मैंने टेलीग्राम पे आपको ऐप में सब जगह नोटिफिकेशन भी दे दिया था कि भैया मुझसे वहाँ गलती हुई है, वहाँ पर मैंने 40 बता दिया था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जुलूस सेना जानवर का वहन करना, स्कूल के पास में सड़क पर काम चल रहा है, किसी वाहन को आप टो करके ले जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में आपके वाहन की जो न्यूनतम स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की तक। यहाँ पे अब मैं सॉरी न्यूनतम का मैंने लिख दिया, क्या लिखा इसमें देखें नियम क्या है, न्यूनतम स्पीड का नियम क्या है, किन स्थितियों में आपके वाहन की स्पीड 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आपको इन परिस्थितियों में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा गति है आपके वाहन की नहीं हो सकती, सड़क पर काम चल रहा है तो स्पीड कितनी होगी साथियों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, तो इन चीज़ों को ध्यान से आपको देखना है। नंबर 18 स्टेज कैरिज का क्या अर्थ होता है, मंजिली गाड़ी, यानी जिनमें यात्री बैठ के सवार करते हैं उसको मंजिली गाड़ी या स्टेज कैरिज के नाम से जाना जाता है, और स्टेज कैरिज एक प्रकार का परिवहन वाहन है और इसमें जो यात्री है वो बैठते हैं और सभी अलग अलग किराया देते हैं। स्टेज कैरिज क्या होता है, स्टेज कैरिज का एक बार का अनुमति प्रसाद, कितने समय उसे रोका नहीं जाएगा, दोस्तों मैं बता देता हूँ ये बात हो रही परमिट की, यहाँ पे जो स्टेज कैरिज होता है इनको दोस्तों वार्षिक परमिट दिया जाता है, क्या परमिट दिया जाता है, वार्षिक परमिट दिया जाता है, इसीलिए इनका जो परमिट है वो एक साल के लिए वैलिड होता है, तो इनको जारी करने के लिए इनको एक साल तक रोका नहीं जा सकता। नंबर 20 आपके सामने है, खतरनाक और जोखिम भरे माल को ढोने के लिए वाहन के मामले में सार्वजनिक देयता बीमा का अधिनियम कौन सा है, 1961 का 6 सही होगा, धारा 140, ये एक सार्वजनिक देयता का जो उल्लेख आया है, देयता यानी कोई कंपेंसेशन यानी कोई मुआवजे से संबंधित है, यानी कोई अगर आप दावा करते हैं तो वो मुआवजा आपको दिया जाना चाहिए, ये इंश्योरेंस या क्लेम से संबंध रखता है, और इसका उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट की धारा दोस्तों यहाँ पे 140 में किया गया है, और इसका नियम बताऊं मैं 1991 का एक छोटा अधिनियम है जिसका 6 जो नियम है वो इसके संबंध में उल्लेख करता है विस्तार से, तो आपको ये 1991 का 6 पूछे तो ये बताना है, धारा पूछे तो 140 बतानी है, तो यहाँ पर भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मैं आशा करता हूँ। पर्सन संख्या 21 है, अस्थाई पंजीकरण क्या है, धारा 43 में इसका उल्लेख किया गया है, एक माह के लिए ये जारी किया जाता है साथियों, फॉरम 23B में इसको जारी किया जाता है, बता देता हूँ अस्थाई पंजीकरण के लिए फॉरम कौन सा होगा, फॉरम 23 ख या 23B, ये दोनों ही सही है साथियों, 23 ख या 23B, हिंदी में बात करूं तो 23 ख हो जाएगा, इंग्लिश में बात करूं तो 23B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई पंजीकरण की प्लेट का रंग कैसा होगा, यहां पर बात हो रही है परिवहन वाहन के मामले में पीली प्लेट पर लाल अक्षर व अंक होंगे, निजी वाहन के मामले में अस्थाई पंजीकरण प्लेट का जो रंग है साथियों सफेद प्लेट पर लाल अक्षर व अंक होंगे, सीधा सा मतलब हो गया वाहन को जो एक्चुअल में जो नॉर्मली प्लेट का रंग होता है नंबर प्लेट का रंग तो वही होगा, लेकिन उसके ऊपर अंक जो और अक्षर जो होंगे वो दोस्तों लाल कलर में होंगे, और ये मोर्त के द्वारा दोस्तों हाल ही में एक आदेश जारी हुआ था 2021 में, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं आपको उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एकदम फाइनल आंसर है और एकदम करेक्ट आंसर है, तो आपको यहां पर डरना नहीं है कि प्लेट कैसा होता है कैसी नहीं होती है। अब आप कहोगे सर लाल का सुना हमने, तो मैं बता देता हूं लाल रंग की नंबर प्लेट है वो डीलर के द्वारा या जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके द्वारा लाल रंग की जो है वो प्लेट इस्तेमाल की जा सकती है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि भाई जब नया वाहन खरीदते हैं तो उसकी अस्थायी नंबर प्लेट है वो दोस्तों उसका रंग कैसा होगा और उसके ऊपर जो अंक और अक्षर होंगे उनका रंग कैसा होगा। नंबर संख्या 25, धारा 120 का उल्लेख किस संबंध में है? तो बता देता हूं, धारा 120 जो है वो आपके लेफ्ट हैंड ड्राइव से संबंधित है। लेफ्ट हैंड ड्राइव, अभी लेफ्ट हैंड ड्राइव भारत में तो ऐसी कोई सुविधा है नहीं, फिर इसका नाम यहां पे क्यों आया लेफ्ट हैंड ड्राइव का? बाईं ओर के नियंत्रण वाले वाहन के बारे में बताया गया, जैसे गाड़ी सिखाने के लिए काम आती है। यानी कि आपको यहाँ पर धारा 120 में क्या है, यानी लेफ्ट हैंड जो ड्राइव व्हीकल होते हैं, जैसे कि कोई अगर सीखने वाली सिखाने के लिए कोई अगर कोई गाड़ी है तो उसमें क्या होता है, राइट में भी होता है और लेफ्ट में भी होता है, दोनों साइड में यहाँ पर क्या है स्टीयरिंग होते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, धारा 120 बाईं ओर के नियंत्रण वाले वाहन के बारे में बताया गया है। परिवहन वाहन 26 में देखते हैं, परिवहन वाहन की पंजीकरण प्रमाण पत्र को कब तक वैध माना जाएगा, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं इनकी RC कब तक वैलिड होगी? तो इसका सीधा सा जवाब है, जब तक फिटनेस प्रमाण पत्र होगा तब तक वह वैध मानी जाएगी, जब तक FC जिंदाबाद तब तक RC जिंदाबाद। किसके उल्लेख में दोस्तों? यहां पे मैं केवल और केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में आपको बता रहा हूं। इसके संबंध में एक छोटा सा एक मैंने वीडियो भी बताया था जिसमें मैंने वो आदेश भी आपको दिखाया था, तो आप अगर दोबारा से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके पहले के जो वीडियो है उनमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल की RC मतलब FC जिंदाबाद है तब तक आपका RC जिंदाबाद है। पर्सन संख्या 27 आपके सामने है, लाइसेंस रिन्यू कब तक करवाया जा सकता है? साथ ही यहां पर जो 2019 से पहले की सुविधा थी इसमें क्या था, 30 दिन का अलग था, ठीक है, 1 साल का अलग था बिना लेट फीस के, 1 से 5 साल तक अलग रूल था, लेकिन 2019 के बाद में साथ में जो नया रूल है इसमें केवल एक ही बात है कि भैया आपको 1 साल पहले या 1 साल बाद में, दोनों में से 1 साल पूर्व या पश्चात ये लिखा गया है और आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। इससे न तो आप पहले करवा सकते हैं और बाद में करवाएंगे तो आपको मना किया जा सकता है, दोबारा से टेस्ट देने के लिए कहा जा सकता है, ऐसी सुविधा इसमें बताई गई है। ये लाइसेंस रिन्यू का टॉपिक है, धारा 15 में आप है इसमें मोटरसाइकिल एक्ट की धारा 15 पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, ब्रेक द्रव्य किसका मिश्रण होता है? काफी कंफ्यूजन है सबको। आप देखो ये होता क्या है, हम ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ड्राइवर एग्जाम में ये हमें सीख रहे हैं इंजीनियरिंग एक प्रकार की कि किसमें क्या होता है। अब पता नहीं क्या क्या पूछ लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली। जो हम पढ़ते हैं डीजल होता है, एक तो डीजल पढ़ते हैं, पेट्रोल भी पढ़ते हैं, यार पेट्रोल भी नाम सुना है, गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। अब इनको प्राप्त कहाँ से करते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों से, पेट्रोलियम पदार्थों से। अब ये नाम आती आपको, ये आपने ये भी पढ़ा होगा क्योंकि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं मुझे पता है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इनसे क्या क्या बनाया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों से क्या क्या बनाया जाता है। तो वहाँ पे आपने ये भी लिखा होगा कि जो लुब्रिकेशन जो ऑयल होते हैं उनको भी पेट्रोलियम पदार्थों से बनाया जाता है, आपने ये देखा होगा। तो साथियों बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पर जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इनसे जो ये तेल यानी कि ऑयल है वो बनाया जाता है। अब इससे केवल तेल बन गया लेकिन इंजन पार्ट्स में यहाँ पर चिकनाई देने के लिए यहाँ पर ग्लिसरीन का भी प्रयोग किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो ब्रेक द्रव्य होता है वो किसका मिश्रण होता है, जो पेट्रोलियम से निकला तेल हो गया और चिकनाई वहाँ पर अधिक प्रदान करने के लिए ग्लिसरीन उसके अंदर हमने मिला दिया, तो यहाँ पे तेल और ग्लिसरीन का जो आपसे हो जाएगा। अब कुछ जो हमारे सीनियर है या जो भी है, मतलब कि कुछ जो दूसरे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कभी तेल प्लस पानी बताते हैं, ग्लिसरीन प्लस पानी बताते हैं, कभी एल्कोहल प्लस पानी बताते हैं। तो भैया एल्कोहल का जो प्रयोग होता है, एल्कोहल का प्रयोग हम किसी चीज़ को साफ करने के लिए, जैसे ब्रेक जो पार्ट्स होते हैं इनको हम साफ सफाई करने के लिए यहाँ पे हमें एल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं जाता, बता देता हूँ मैं, लेकिन प्रयोग किया नहीं जाता है आमतौर पर। हमें जो मतलब कि ब्रेक जो आपके पार्ट्स होते हैं इनको साफ सफाई करने के लिए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, थीनर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपके यहाँ पर एल्कोहल भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एल्कोहल का प्रयोग करने से जो आपके ब्रेक जो आप ब्रेक पार्ट्स हैं आपके, मतलब कि किसकी बात हो रही है, यानी कि हाँ मतलब कि कोई भी पार्ट है उसको आप अगर एल्कोहल से साफ करते हैं तो वहाँ पे ब्रेक पार्ट्स के साथ में थोड़ी रासायनिक क्रियाएं होती है जिनकी वजह से उनसे आप मतलब कि उनको सफाई करना थोड़ा सा नेगेटिव होता है, इसलिए उसका प्रयोग किया नहीं जाता है। बल्कि सफाई बहुत अच्छी करता है साला, जो ये एल्कोहल है ना ये इतना खतरनाक है, पीने में शराब में नशा भी आता है और किसी चीज़ को धोने में वो साफ भी अच्छा होता है, लेकिन वो नुकसान करता है इसलिए उसका प्रयोग किया नहीं जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, हर चीज़ को ध्यान से देखना है कि ब्रेक द्रव्य किसका मिश्रण होता है, तेल व ग्लिसरीन का। यातायात संकेत कितने प्रकार के होते हैं? सीधा सा जवाब है, कम से कम मैंने एग्जाम में लगभग 15 बार ये देख लिया है, 15 बार पूछा जा चुका है यातायात संकेत का आ गया है। यातायात संकेत के आधारभूत संकेत भी पूछ लिए, दोनों का ही जवाब 3 होगा।
अब ऐसी चीज आप 4 करें 5 करें 6 करें इनकी कोई सीमा नहीं है, बहुत प्रकार के यथा संकेत होते हैं, ठीक है। तो ये कोई जवाब नहीं है। एग्जाम हमें क्या करना है, एग्जाम में आपको नंबर प्राप्त करने हैं, एग्जाम में नंबर प्राप्त करने हैं, तो आपको यहां पे जवाब 3 देना पड़ेगा भाई साहब। अब आपको सर ड्राइवर के हाथ सिग्नल हो गए, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, ट्रैफिक लाइट हो गई, ड्राइवर के हाथ से संकेत हो गए, ड्राइवर गाड़ी के जो इंडिकेटर हो गए, तो इस प्रकार से तो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रोड मार्किंग के अलग हैं, रोड के साइड में संकेत अलग हैं, तो यहाँ पर ऐसे आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जवाब आपको 3 करना है, बस 3 करना है आपको। एग्जाम में अगर अंक चाहिए तो 3 करना है, अगर कम चाहिए तो आप इसको आप ज़्यादा कर देना, अपने आप एक नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा, एक नंबर पर्सन का कट जाएगा, एक 1/4 ये कट जाएगा, मतलब कि 1.25 नंबर आपको अगर नहीं लेने हैं तो आप 3 से ज़्यादा वाला ऑप्शन देख लेना मेरे हिसाब से। मैं तो आपको यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है BS6 मान का प्रदूषण कितने मान्य होता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, BS4 और BS6 होते हैं, इन दोनों के लिए यहाँ पे 12 माह का जो आपका PUCC है वो होता है। अब ये क्यों होता है आप सभी को पता है, इनकी शुरुआत BS6 की शुरुआत 2020 में, BS4 की शुरुआत 2017 में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को देखना है कि इनके लागू होने के बाद में जो PUCC बनता है, उन सभी वाहनों का जो PUCC है 12 माह के लिए बनता है। इनसे पहले की जो वाहन है अब वो आपके 6 माह के होते हैं। अब आपको सर अब ये पूछ ले कि PUCC कितने माह के लिए होता है, तो आप यार आज 2022 का जमाना है और आप 2017 के बाद की गुरुजी बता रहे हैं कि भाई 12 माह होता है, तो 2017 से 22 के बाद में 5 साल हो गए, तो फिर PUCC 6 माह का कैसे हो गया। तो आपको सीधी सी बात है, आपको 12 माह करना है अगर स्थिति स्पष्ट नहीं है तो, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर कुछ पता नहीं चल रहा है कि यार क्या करें, फिर 12 पे टिक लगा दो भैया, आप तो 12 पे टिक लगा दो, 6 पे मत लगाओ। लेकिन पुराने वाहनों पे या BS4 और 6 से पहले वाहनों के, 2017 से पहले के वाहनों के ऐसा आ जाए तो फिर आपको 6 माह करना है, बस इतना ध्यान रख लेना। नंबर 33 आपके सामने, BS4 और BS6 के अलावा दूसरे वाहनों का प्रदूषण कितने माह के लिए जारी किया जाता है, 6 माह के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नई गाड़ी को कितने समय तक प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों नया जो आपका गाड़ी होती है वो कंपनी से वेरीफाइड होती होकर आती है कि भी ये पॉल्यूशन नहीं करती है, तो 1 साल का पॉल्यूशन कंपनी खुद बनाकर देती है, इसलिए नए खरीदे गए वाहन को 1 साल तक PUCC की आवश्यकता नहीं है। पर्सन ये पूछा है नई गाड़ी को कितने समय बाद में PUCC की आवश्यकता होती है, तो 1 साल बाद हो जाएगा क्योंकि 1 साल का तो कंपनी दे दिया है, तो यहाँ पर 1 साल से जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, नंबर 35, लाइसेंस रिन्यू का नियम क्या है, 1 साल पहले या बाद में फॉर्म 2 में आवेदन। यहाँ पर ये आपको सही करना है, यानी कि लाइसेंस रिन्यू कब किया जाता है, 1 साल पहले या बाद में किया जा सकता है, फॉर्म 2 में आपको रिन्यू के लिए आवेदन करना है। अब आपको सर आपने तो नो पढ़ाया है, तो भैया नो है वो नया पुराना नियम है, नो को अब 2 कन्वर्ट कर दिया गया। इसके संबंध में भी आपने आपको यूट्यूब के ऊपर एक फॉरम के संबंध में फॉरम संख्या 2 का नया नियम है वो पढ़ा दिया गया है, कोर्स में भी पढ़ा दिया गया है आपने अगर देखा है तो, ठीक है। तो आपको यहां पर 2 सही करना है। अभी 2 कौन कौन से मामले में है बता देता हूं मैं, 2 कौन कौन से मामले में है। पहला तो 2 लर्निंग लाइसेंस में, स्थाई लाइसेंस में, वो चाहे LMV हो चाहे HMV हो, दोनों के मामले में होता है साथियों, आपको याद करना है। नंबर आपको करना है 8, यानी एड करते हैं तो इसकी जगह भी है। नंबर 9 रिन्यू के लिए जो था दोस्तों, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, ये इस फॉरम को करना है। तो आपको सभी जगह इन 4 की जगह आपको फॉरम संख्या 2 करना है। अब मैं बता देता हूं, IDP है इसकी जगह आपको फॉरम 4A करना है, जारी का पूछ ले तो 6A करना है, ये सेम है अभी भी, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हमारा हो जाएगा 34, नई गाड़ी का 1 साल का हो गया, 35 हो गया है, 36 पे चलते हैं। नंबर 36, हम लाइसेंस एक्सपायरी के कितने दिन बाद तक गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, 1 भी दिन नहीं। कह दोगे गुरुजी आप तो कभी 30 बताते हैं कभी 0 बता दे हैं, तो ये क्या मामला है, तो मैं बता देता हूँ। पहले इसकी सुविधा 30 दिन तक थी, आप 30 दिन तक प्रयोग इसका कर सकते हैं। एक के दूसरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 10 दिन बता रहा है, अब पता नहीं वो किस आधार पर बता रहा है, इसका पता कैसे करें। हम तो भैया मोटर व्हीकल एक्ट देखेंगे, कुछ भी समस्या आएगी तो MVA वो भी 2019 वाला ये खोलेंगे। अब इसमें खोलेंगे तो कहाँ देखेंगे, आपको धारा देखनी है 14, धारा कौन सी देखनी है यहाँ पे साथियों, धारा 14 देखनी है। सीधा धारा 14 में जाओ, और जो परंतु उसमें जोड़ा गया था कि भी कोई भी लाइसेंस उसकी एक्सपायरी के 30 दिन बाद भी वैलिड रहेगा, उस परंतु को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, हटा दिया गया है, ओमिटेड यानी कि हटा दिया गया है। तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं, जो सुविधा पहले थी उसको हटा देना मतलब क्या है, अब वो सुविधा नहीं बची,
तो यहां पे इसका जवाब हो जाएगा 0 दिन। ठीक है, एक भी दिन आप गाड़ी वाहन के लाइसेंस के एक्सपायरी के बाद में प्रयोग नहीं कर सकते। कभी चला के कोई चालान मत कटा लेना, 5,000 का चालान है आपके, बता देता हूं मैं, लाइसेंस को बिना लाइसेंस के या एक्सपायरी लाइसेंस से आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो 5,000 का जुर्माना है भैया, कैसा मत कर लेना, इतने में रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, 37 पे चलते हैं। वाहनों की श्रेणियों का क्या नियम है? वाहन की श्रेणी का मतलब है वाहनों को अलग अलग वर्ग में विभाजित करना। अब आपको सर कैसा विभाजन, तो नंबर 38 पे देख लो, एक होती है L, एक होती है M, एक होती है N, इनको भी सब कैटेगरी में बांटा गया है। हम वहाँ पर ज़्यादा इतना डिटेल में इस क्लास में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको जाना है तो आपको कोर्स की क्लास में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम देखेंगे, एक मिनट, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ ताकि आपके बीच में ना आए। एल श्रेणी जो होती है साथियों, वो होती है आपके दो और तीन पहिया वाहनों के लिए। एम श्रेणी होती है चार पहिया यात्री वाहन, चार पहिए होंगे और यात्री के लिए होगी। नंबर एन जो श्रेणी होती है वो दोस्तों चार से अधिक, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा साथियों, चार या चार से अधिक पहिया जो मालवान होते हैं वो उनके लिए होती है। एन का मतलब मालवान, एम का मतलब है ये जो मौज करते हैं, मौज कौन करता है, यात्री करता है। ठीक है, और यहाँ पे L यानी कि छोटे, L यानी लाइट वेट, आप देख सकते हैं, आप ऐसा कर समझ सकते हैं, L का मतलब लाइट वेट यानी कि हल्के वाहन, दो पहिया और तीन पहिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों पर्सन आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। नंबर 41, धारा 53 का संबंध किस बात से है? वाहन पंजीकरण को सस्पेंड करने से, कुछ स्थितियों में गलत प्रयोग करते हैं आप अपने वाहन का, गलत प्रयोग करते हैं किन्हीं दूसरी जगह से, कुछ भी करते हैं आप, मतलब अपराध करते हैं, तो आपके वाहन की आरसी को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड यानी निलंबन। अभी निलंबन साला क्या होता है पता नहीं चला तो गुरुजी बता दो, तो मैं बता देता हूँ, निलंबन होता है एक तरह से आपको कुछ समय के लिए उसका प्रयोग करने से रोकना, स्थायी रूप से नहीं, केवल कुछ समय के लिए। लेकिन मैं बता देता हूं, अगर कोई भी, अब 42 का आंसर बताता हूं मैं, ठीक है, यानी कि कोई भी आरसी अगर 6 माह तक सस्पेंड रह जाता है तो उसको रद्द माना जाता है। अब गुरुजी आप कह दो कि गुरुजी इसका बता दो, रद्द हो गया तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से बना लेना है, कुछ भी डरना नहीं है। आप कहोगे गुरुजी रद्द कर दिया तो जो टैक्स भरा था उसका क्या होगा, टैक्स आपका हुबहू पड़ा है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से आपको नहीं भरना, केवल आपको पंजीकरण करवाना है। तो यहां पर आपको, यहां पर प्रश्न संख्या 42 में धारा 54 का अर्थ क्या है, धारा 53 के अनुसार पंजीकरण रद्द अगर 6 माह निलंबन रहा है तो आपका पंजीकरण क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब आप कह दोगे आरसी की बात आई है तो बिना आरसी आप गाड़ी चलाते हैं, धारा 192 पढ़ लेना, धारा 192 बी पढ़ लेना। अब इनमें अंतर क्या है, धारा 192 मतलब कि आप यहाँ पे 39 में यानी जो नीड यानी आवश्यकता आप वहाँ चलाएंगे तो आपको ये आरसी रखना चाहिए, ये बताया गया है। लेकिन धारा 192 बी में क्या है, ये आपके डीलर से हैं, मालिक से संबंधित है, आप आरसी के लिए आवेदन ही नहीं करते हैं, मतलब कि आरसी से संबंधित जो अपराध होते हैं उनके संबंध में धारा 192 भी बताया गया है। तो विस्तार से हम जो हमारे सेक्शन है पेनल्टी की जो क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है। नंबर 43, डुप्लीकेट पंजीकरण के लिए किस धारा में उल्लेख किया गया है? अब आप कह दोगे डुप्लीकेट यानी कि जो आप दोबारा से, कोई खो गई है आप दोबारा से आरसी प्राप्त करेंगे, तो इसका उल्लेख धारा 41 में किया गया है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, धारा 44 है, डुप्लीकेट पंजीकरण के लिए आवेदन कहां पर किया जाएगा? केवल जहां पर आपने वाहन को पंजीकरण करवा रखा है, केवल और केवल वहां पर आप डुप्लीकेट पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 45, टू इन और टू आउट क्या होता है? पता नहीं, टो नाम आया, टो यानी तो होता है टोचन करना, लेकिन ये टो इन और टो आउट ये मामला क्या है? तो वाहन को सीधे चलने की प्रवृत्ति जो होती है वो टो इनके कारण होती है। टायर को आगे खड़ा होकर, टायर को इतना पढ़े पहले, फिर आगे खड़ा होकर, आपको खुद को आगे खड़ा होना है, सामने से देखेंगे तो टायर ऊपर से बाहर की ओर, सामने से देखने पर बाहर की ओर या अंदर की ओर होना, टायर सामने से मतलब क्या है, आप सामने से देखेंगे तो जो टायर का जो फ्रंट का जो एरिया है वो क्या होगा, बाहर निकला होगा, यानी कि टायर होते हैं अगर सामने से ऐसे बाहर निकले हुए हैं तो ये टो आउट होगा। और दोस्तों यहां पे टो इन किसे कहेंगे, टायर अंदर की ओर है, ये बात हो रही है साथियों। देखो दो पोजीशन है यहां पे, मैं इस चित्र के माध्यम से नहीं बता पा रहा हूं, एक तो होता है टायर का जो आपके फ्रंट का भाग है, एक टायर का टॉप का भाग है, इन दोनों में अंतर होता है। तो यहां पर मैं सामने का जो भाग है उसकी बात कर रहा हूं, यानी टायर के टॉप की बात नहीं कर रहा मैं,
टायर सामने से है, यानी एक टायर जा रहा होता है लेफ्ट में, एक जा रहा होता है राइट में, एक में होता है एक जो आपका मतलब कि टायर दोनों अंदर जा रहे होते हैं अंदर की साइड में, ठीक है। तो ये होता है टो इन और टो आउट। टो इन किसे कहेंगे, टायर सामने से अंदर की ओर होना, और टो आउट 47 में टायर सामने से बाहर की ओर होना। केम्बर क्या होता है, केम्बर अब देखो ध्यान से देखना, टायर सामने से देखने पर ऊपर से बाहर की ओर। अब ये टायर ऐसे झुके हुए हैं, जैसे इन पे वजन पड़ेगा तो ये सीधे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहां इनका जो एक्स होता है, जैसे मैं बात करता हूं अभी एक्स ऐसे ऐसे होता है, जैसे लोड पड़ता है तो ये क्या हो जाते हैं, ऐसे सीधे हो जाते हैं। तो हमेशा केम्बर कैसा होना चाहिए, बाहर की ओर, मतलब धनात्मक होना चाहिए, ऊपर से बाहर की ओर, अंदर से नीचे से नहीं ऊपर से। तो ये होता है केम्बर धनात्मक। ऋणात्मक क्या हो जाएगा, अगर पहले से ही अंदर की ओर है तो यहाँ पे ऐसे पहले से था और वजन पड़ा तो और अंदर हो गया, मतलब और झुका हो गया, मतलब गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। तो ऋणात्मक कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अस्थाई परमिट कितने समय के लिए दिया जाता है, तो दोस्तों अस्थाई परमिट का नाम आते ही धारा आपको 87 याद आनी चाहिए। न्यूनतम एक माह है, अधिकतम 4 माह के लिए आपका अस्थाई परमिट दिया जाता है। अब कौन कौन सी कंडीशन के लिए दिया जाता है, धारा 87 में उल्लेख, जैसे मेला धार्मिक, ये एक नंबर में उल्लेख है, 87 को 4 भागों में बांटा गया, धार्मिक और मेला पहले में, मौसमी कारोबार ये दूसरे में हो जाएगा, विशिष्ट परिस्थितियाँ तीसरे में हो जाएगा, और परमिट आवेदन लंबित होने पर ये चौथा परमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, दोबारा से बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जो मेला धार्मिक है वो एक नंबर है, मौसमी कारोबार है साथ में ये दो नंबर, और विशिष्ट परिस्थितियाँ ये 3 नंबर है, और दोस्तों आवेदन लंबित होने पर ये 4 नंबर है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, अस्थायी परमिट किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। बात आइए विशेष परमिट कितने समय के लिए जारी किया जाता है, तो न्यूनतम 4 माह के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए ये जारी किया जाता है, धारा 88 में इसका उल्लेख है, वो किया गया है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, 53 नंबर, कोई वाहन को दूसरे राज्य में ले जाकर कितने दिन बिना पंजीकरण चेंज करवाए रखा जा सकता है, इससे संबंधित धारा कौन सी है, दोनों बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, आप 12 माह तक अपने वाहन को रख सकते हैं बिना पंजीकरण बदलवाए, वो धारा 47 का इससे संबंध है, वो होता है, ठीक है भैया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, फोरम 27 का संबंध किससे है, धारा 47 के अनुसार दूसरे राज्य में वाहन का नया पंजीकरण चिन्ह असाइनमेंट के लिए आवेदन फॉरम है, वो 27 का में आता है। अब आप कहोगे ये पंजीकरण का चिन्ह असाइनमेंट ये क्या मामला है, जब आपका पंजीकरण RC पंजीकरण जो वाहन का राजस्थान में हो रखा है, आप MP में जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर नई RC के लिए आवेदन करना पड़ेगा अगर आप अपने वाहन को 12 माह से ज़्यादा वहाँ पर रखना चाहते हैं। तो अब आप नया आवेदन करेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, एक तो फॉरम 27 में नया पंजीकरण चिन्ह के लिए आवेदन करेंगे, उसे हम नया असाइनमेंट फॉरम है वो बोलते हैं, और ये दोस्तों धारा 47 में है, इसका संबंध होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको NOC भी आवश्यकता होती है, तो NOC के संबंध में धारा आप सॉरी प्रश्न 55 आपके सामने है, NOC की क्या उपयोगिता होती है, NOC की क्या उपयोगिता होती है इसके संबंध में, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे NOC की उपयोगिता, दूसरे राज्य में वाहन का नया पंजीकरण अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पर आपको NOC की आवश्यकता होती है। आप कहोगे सर इसका उल्लेख कहाँ पे है, धारा 48 में उल्लेख है, फोरम संख्या 28 में दोस्तों इसको जारी किया जाता है, फोरम की पूछे फोरम 28 होगा, धारा पूछे 48 होगा, वैलिडिटी पूछ ले तो 6 माह इसकी वैलिडिटी होती है साथियों, और कब आवश्यकता होती है, जब किसी दूसरे राज्य में आप अगर पंजीकरण दूसरे राज्य में RC को आप अगर आप दोबारा से पंजीकरण करवाते हैं वाहन का, तो ये आपकी जो NOC है उसकी आवश्यकता होती है। आप कह दो कि NOC का पूरा नाम क्या होता है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हिंदी में बात करते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे 55 ये क्लियर हो गया। नंबर चलते हैं 56 पे, संलग्न वाहन क्या होता है या यौगिक वाहन क्या होता है, काफ़ी बड़ा कंफ्यूज है, हर बार गलत होता है, गुरुजी क्या करें, तो बता देता हूँ मैं, संलग्न यान, यौगिक यान, आर्टिकुलेटेड वाहन, ये तीनों नाम एक ही खेत की मूली है, मतलब तीनों का एक ही अर्थ है। अब इसको कहेंगे क्या दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट, हम सीधा मोटर व्हीकल एक्ट पे चलते हैं, इसकी धारा 2 में दिया गया है कि ये जो आपका संलग्न यान कौन होगा, सीधा सीधा लिखा है जिससे अर्ध ट्रेलर जुड़ा है वो दोस्तों क्या कहलाएगा, संलग्न यान कहलाएगा, वही यौगिक वाहन कहलाएगा, वही आर्टिकुलेटेड व्हीकल कहेगा, ये तीनों नाम उसी के नाम है जिससे अर्ध ट्रेलर जुड़ा है। अब आप कहोगे गुरुजी अर्ध ट्रेलर क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, अर्ध ट्रेलर वो है जिसके केवल पीछे टायर है, एक ऐसी ट्रॉली जिसके केवल पीछे टायर है, आगे से किसी गाड़ी से जुड़ेगा,
और आगे का जो वजन है उसका स्वयं का वो भी दूसरा वाहन जिससे जुड़ेगा उसी पे वो लादेगा। मतलब कि इसके केवल एक्सल पीछे होती है। अब बात आ जाती है ट्रेलर की, ये ट्रेलर क्या होता है गुरुजी ये भी बता दो साथ में, फिर आ गया है मामला पास में। तो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपकी ट्रॉली होती है ऐसी ट्रॉली जिसके आगे भी एक्सल होती है पीछे भी एक्सल होती है। अब एक्सल का मतलब ये नहीं है कि इसमें मोटर लगी होती है या इंजन लगा होता है, केवल भार उठाने के लिए। तो जो ट्रक होते हैं लंबे लंबे उनमें आगे और पीछे की दोनों एक्सल है वो सेम की होती है, तो वो ट्रेलर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेलर को भी तो आपको वाहन से जोड़ना पड़ता है और अर्ध ट्रेलर को भी जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखना है, रोटरी वाल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर में। आप सभी को पता है बैटरी लगी रहती है, इसके बाद में आपके इग्निशन कोयल लगी रहती है, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर में एक सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ पे एक और ये बी ये सी और डी इतने पॉइंट होती है, जितने सिलेंडर होंगे उतने पॉइंट होंगे। यहाँ पे एक सुई होती है और ये घूम घूम के चारों पे घूम घूम के क्या करता है, यहाँ पे जो करंट है जो आपके इग्निशन कोइल से आया है उसको स्पार्क प्लग को सप्लाई करने के लिए यहाँ पे इस रोटरी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो कि पेट्रोल वाहनों में उपयोग किया जाता है। पोपेट वाल क्या होता है, तो दोस्तों पोपेट वाल है चारों स्ट्रोक इंजन में जो वाल होते हैं वो पोपेट वाल कहलाते हैं। पोपेट वाल का मतलब है एक तरह से एक साइड से मोटे होते हैं एक साइड से संकड़े होते हैं। नंबर 59 है पोर्ट और वाल में अंतर, तो पोर्ट दो स्ट्रोक इंजन में होता है और वाल्व है वो चार स्ट्रोक इंजन में होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देखना है। वाल्व है वो आपके सिलेंडर हेड में बने होते हैं, पोर्ट है आपके सिलेंडर ब्लॉक में बने होते हैं साइड में, ये भी ध्यान रखना है। नंबर 60 है स्ट्रोक क्या है गुरुजी, तो पिस्टन की ऊपर नीचे की जो गति है मोशन ऑफ पिस्टन, ठीक है मोशन ऑफ पिस्टन ही स्ट्रोक होता है, यानी कि पिस्टन ऊपर से नीचे जाता है तो उसे एक स्ट्रोक आ जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है स्ट्रोक क्या होता है, पिस्टन का ऊपर नीचे होना। चार स्ट्रोक इंजन में कौन सा वाल्व काम में आता है, अभी मैंने बताया था पोपेट वाल्व काम में आता है। पैसेंजर ओवरलोडिंग पर जुर्माना कितना है, साथियों सभी को कंफ्यूज है, सभी को कंफ्यूज है, अभी भी लोग गलत पढ़ रहे हैं। मैंने लगभग आपको 15-20 दिन हो गए हैं आपको 200-200 बताते हुए, लेकिन आप हैं कि मानते नहीं है, गुरु जी इसका कितना होगा 1000 होगा या 2000 या 200, तो मैं बता देता हूं इसका 200 होगा। इसका अब मैंने मोटरसाइकिल एक्ट से पूरा कंफर्म किया, हालांकि इसका जो आप पहले हम भी 1000 पढ़ा रहे थे, इसमें कोई दोरा नहीं है, हम भी इसको गलत पढ़ा रहे थे साथियों, तो आपको डरना नहीं है, आपको 200 इसका सही जवाब मानना है। 200 रुपये प्रति पैसेंजर मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 जो हुआ है इसके अनुसार 200 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप हमारा क्रेश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा ऑनलाइन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम इसको डाउनलोड करके वहाँ पे आप कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 10-12 घंटे में क्रेश कोर्स करवाएंगे और बाकी अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं वो 40-45 घंटे में आप पूरा कर सकते हैं। बेहतरीन कोर्स है, अच्छे तरीके से हर टॉपिक को समझाया गया है, तो वहाँ पर आप कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस कोर्स के अंदर आपको बेहतरीन नोट्स मिलते हैं, बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिलती है, डेली टेस्ट मिलता है और बेहतरीन आपको क्लासें वहां पे है, वीडियो सॉल्यूशन है, पुरानी भर्तियों के पेपर है, सब कुछ आपको प्रोवाइड होता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो मैं आपसे चाहूंगा इस क्लास को आप लाइक करें, लाइक हर वीडियो में मेरे 200-250 ही आते हैं, हो सकता है मैं कुछ आपको गलत पढ़ा रहा हूं या सही पढ़ा रहा हूं पता नहीं, लेकिन आप गलत पढ़ा रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा, और सही पढ़ा रहा हूं तो आपको इस जो क्लास है इसको लाइक करना है, सभी स्टूडेंट है इस क्लास को आप लाइक कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 62 पैसेंजर ओवरलोडिंग पर जुर्माना 200 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री हो जाएगा। धारा की पूछें तो धारा 194 ए में इसका उल्लेख है वो किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हेलमेट का प्रयोग नहीं करने पर जुर्माना कितना होगा और धारा कौन सी है, हेलमेट के लिए धारा 194 डी लगती है, 1000 का जुर्माना लगता है, ये बात आप ध्यान रखें। मोटरसाइकिल पर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब आपको गुरुजी बीमार हो गया है तो भी नहीं बैठ सकता, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो भी नहीं बैठ सकता, तो फिर कब बैठ सकते हैं, बैठ ही नहीं सकता, फिर बैठ गया तो क्या होगा, 1000 का नोट आपको देना पड़ेगा। नोट गुरुजी बंद हो गया है तो 500-500 के दो नोट, 500 × 2, ये दो नोट आपको देने पड़ेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान है यहाँ पर रखना है, लेकिन मोटरसाइकिल पर आपको 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठना है। नंबर 65 निषेध क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग करने पर क्या होगा, निषेध क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ, आप अगर शोर प्रदूषण करते हैं ध्वनि प्रदूषण करते हैं उसके लिए धारा 190 भी है। अब गुरुजी आप बता दो इनमें अंतर क्या है, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैं बता देता हूँ धारा 190 कब लगती है, धारा 194 F कब लगती है। आप जब जहाँ पर हॉर्न को मना किया गया है कि भैया हॉर्न मत बजाना यहाँ पे कोई समस्या है, अब हॉर्न कहाँ पे नहीं बजाना है साथियों मैं बता देता हूँ, अस्पताल के पास में, अस्पताल में
अस्पताल और अदालत शब्द आ जाए, तो इन दोनों ही जगह आपको क्या है, हॉर्न का प्रयोग नहीं करना है। पहली बात तो यह है। अब आप कह दोगे गुरु जी इसमें जुर्माना कौन सा है, तो 1000 का जुर्माना है। धारा कौन सी है, 194F है, मतलब जहां पर मना किया गया है फिर भी हॉर्न बजाते हैं। लेकिन बात आ जाती है शोर प्रदूषण है, आपके वाहन में ऐसा जो हॉर्न लगा हुआ है जिसकी वजह से हॉर्न मतलब कि पोल्यूशन हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है और आपकी जो निर्धारित सीमा है उससे ज़्यादा आप शोर करवा रहे हैं, या साइलेंसर से किसी ऐसे कटआउट का प्रयोग कर रहे हैं जिससे आप शौकीन होते हैं, जैसे बुलेट होती है, तो बुलेट तो इसको तो क्या अधिकृत किया गया है, लेकिन बुलेट की तरह आप भी अगर साधारण गाड़ी का साइलेंसर वहाँ से तोड़ मरोड़ कर अगर आप उसका उपयोग करते हैं और शोर प्रदूषण होता है, तो वहाँ पे दोस्तों धारा आपके कौन सी लगती है, धारा 190 लगती है। वहाँ पे अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग जुर्माना है, 10,000 का भी जुर्माना यहाँ पे वहाँ पर दिया गया है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 66, धारा 113 के उल्लंघन पर जुर्माना 20,000 रुपये है और 2,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन भार ओवरलोड से संबंधित है। साथियों यहाँ पे धारा 113 का संबंध है वो किससे है ये पूछा है मैंने, धारा के उल्लंघन पर जुर्माना कितना ये पूछा है, तो यहाँ पर धारा आपकी 194 लगती है। 194 है माल वाहन का ओवरलोड करना, माल को क्या करना, ओवरलोड करना। ओवरलोड यानी कि आपके वाहन की सीमा तो क्या है 25 टन की है और आप उसमें 40 टन भर देते हैं, तो अब आपका जो ये 25 से 45 के बीच में 15 टन जो एक्स्ट्रा माल है इसका प्रति आपके टन 15 × 2,000 रुपये प्रति एक्स्ट्रा टन आपका जुर्माना होगा है, 20,000 एक मुश्त होगा, मतलब साला कितना हो गया 15 × 2 30,000 और 20,000 50,000 का जुर्माना। भैया देख लो अब आपको क्या करना है, 50,000 का जुर्माना यहाँ पे हो जाता है अगर आप 15 टन अधिक ले जाते हैं। तो यहाँ पे धारा 194 की बात हो रही है साथियों, ये एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 67, धारा 180 का जुर्माना कब लगाया जाता है। हम पढ़ते हैं कि गुरुजी ये बता दो, कंफ्यूज काफ़ी कर रहा है, 180 181 182 सभी में लाइसेंस 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 बताया जा रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गुरुजी कौन से में लाइसेंस है। अब पता नहीं साला इसमें किसको याद करें किसको छोड़ें और किस में कौन सा नियम है। बात आ जाती है साथियों यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ केवल 180 की, तो 180 कब लगाई जाती है, जब धारा 5 का उल्लंघन होता है तो वाहन मालिक पर लगाया जाता है। आप कह दोगे गुरुजी धारा 180 लगाई, आपने नाम ले लिया 5 का और वाहन मालिक का भी नाम ले लिया, ये क्या मामला है। तो ये इसमें ये कहा गया है धारा 5 में कि कोई भी मालिक है वो अपनी गाड़ी को ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए नहीं देगा जो कि धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है, मतलब 3 के तहत लाइसेंस नहीं है, 4 में जिसकी आयु नहीं हुई, ऐसा व्यक्ति अगर गाड़ी चलाता है और वाहन मालिक अगर इजाज़त दे देता है तो वो धारा 5 का उल्लंघन है। 5 को आप देखना, 5 ये कहती है कोई भी वाहन मालिक है वो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देगा, मना कर देगा, अगर देता है तो 180 के तहत वह अपराधी होगा और जुर्माना होगा 5,000 का। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, धारा 180 मतलब वाहन मालिक अगर किसी अपराधिकृत, यहाँ पे एक शब्द आता है साथियों अपराधिकृत, ये शब्द अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जिसको अभी तक गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं मिला है और ऐसे व्यक्ति को अगर मालिक गाड़ी चलाने को दे देता है तो मालिक अपराधी है और उसके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेम ही कंडीशन उसमें चालक भी जिम्मेदार होता है और उस कंडीशन में धारा 181 लगाई जाती है और वो 5,000 रुपये चालक पर लगाए जाते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है चालक भी जिम्मेदार होता है वाहन मालिक भी जिम्मेदार होता है, लेकिन यहां पे धारा 180 है वो धारा 5 के उल्लंघन पर लगाई जाती है, धारा 181 है वो धारा 3 और 4 के उल्लंघन पर लगाई जाती है, धारा 180 है वो मालिक पर लगाया जाता है, धारा 181 है वो चालक खुद पर लगाई जाती है। तो इसमें दोनों अपराधी होते हैं, तो दोनों आपको यहां पर ध्यान से इन चीजों को समझना है। दोस्तों यहाँ पर इतनी शानदार क्लास शायद ही किसी ने नहीं ली होगी क्योंकि इसमें मैं लगभग आपका ड्राइवर पार्ट है पूरा करवाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 182 का जुर्माना किस लिए लगाया जाता है, अभी मैंने बताया था धारा 180 मतलब वाहन मालिक हो जाएगा, धारा 181 मतलब चालक हो जाएगा। गुरुजी ये बता दो धारा 182 भी कंफ्यूज हो रही है, इसका मतलब क्या है, धारा 182 लाइसेंस निलंबन है, लाइसेंस निलंबन है या रद्द कर दिया गया है या पृष्ठांकन होने पर या मिथ्या दस्तावेज देकर आप लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं और पकड़े जाते हैं। भैया पकड़े जाते हैं तो फिर गुरुजी क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए। अब होगा क्या मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है धारा 182 का जुर्माना कितना है।
धारा जो 82 है इसके तहत जुर्माना बढ़ा दिया गया है। इसका जुर्माना 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000 जुर्माना। 3 माह की कैद भी है। 180 और 82 में तो 5,000 से काम चल रहा था। यहां पर साथियों आपको पूरे के पूरे वो 2,000 वाले नोट है ना साथियों, 2,000 के नोट है, पांच पूरे पांच गिन के देने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसे लाइसेंस को निलंबन में गाड़ी चला दी, रद्द में गाड़ी चला ली, पृष्ठांकन है फिर भी आपने उसको छिपा के दोबारा से, अब पृष्ठांकन क्या होता है, पृष्ठांकन क्या होता है मैं बता देता हूं। आपका जो लाइसेंस है आपने इससे कोई अपराध कर दिया, माना कि धारा 184 का यानी खतरनाक गाड़ी चलाने का अपराध किया है, तो ये अपराध आपके लाइसेंस रिकॉर्ड में लिख दिया गया है कि भैया इस राजू राम ने, जैसे मैं मेरे ऊपर लेता हूं कि राजू राम ने 184 उल्लंघन कर दिया है, इस आपके DL में लिख दिया गया है। आप अगर इस, अब इसमें क्या है, अगर इस आपको उल्लंघन करने पर आपके लाइसेंस को पृष्ठांकन कर दिया गया है और आप क्या करते हैं अपने इस पृष्ठांकन को छिपाकर या तोड़ मरोकर या डाटा गलत देके आप इस पृष्ठांकन से अलावा एक नया लाइसेंस जारी करवा लेते हैं। पृष्ठांकन के साथ में आपको यह भी कहा जा सकता है कि आप 6 माह गाड़ी नहीं चलाएंगे। पृष्ठांकन के साथ में आपका जो लाइसेंस है उसको कुछ समय के लिए वहां पर क्या निलंबन भी रखा जा सकता है। तो आप उस निलंबन के दौरान गाड़ी चलाते हैं या उस पृष्ठांकन को छिपा के नया आप DL जारी करवा लेते हैं, तो यह अपराध है। वो दोस्तों कहां पे होता है? धारा 182 में। तो उसके तहत जुर्माना कितना है? 10,000 का जुर्माना है और 3 माह की कैद है। नंबर 70, हेड गियर क्या होता है? गुरुजी ये क्या मामला आ गया, हमने तो पहली बार नाम सुना है। तो साथियों हेलमेट को ही हेड गियर कहा गया है। अब हेलमेट तो हमने बना दिया है, बल्कि जो धारा 129 है साथियों मैं बता देना चाहता हूं हेलमेट पहनने का नियम किस धारा में है, धारा 129 में। लेकिन 129 में एक्चुअली में लिखा क्या गया है, हेड गियर, HEAD GEAR, ध्यान से देख लेना वहां पे हेड गियर लिखा गया है, न कि हेलमेट। तो आपको यहां पे हेड गियर का भी पता होना चाहिए। हो सकता है कि एग्जामिनर वो डायरेक्ट एक्ट का जो नाम है उसको रख दे। तो हेड गियर हेलमेट को कहा जाता है। धारा 129 में इसका वर्णन किया गया है कि एक आप गाड़ी चलाएंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो यहां पे धारा 194 D लगती है, 1,000 के जुर्माने का प्रावधान है। तो यहां पे अगले पे चलते हैं। 72 नंबर, पर्यटक वाहन के बाहर की ओर एक रिबन लगाई जाती है, उसकी मोटाई और रंग कैसा होता है? तो वो जो रिबन होती है वो नीले रंग में एक पट्टी लगी होती है साइड में ऐसे, ठीक है। और यहां पे मैं बता देना चाहता हूं उस रिबन की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। 72 नंबर पे चलते हैं। टायर पर कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य होता है हवा या पानी जो टायर के नीचे दबते हैं उन्हें बाहर निकालना, जिससे कि आवाज़ कम से कम हो सके। हम देखते हैं ट्रकों के टायर में जिनमें कि ट्रे डिजाइन है वो छोटी कटी होती है या कम कटी होती है, वो टायर गाड़ी जब चलती है तो एक आवाज़ ही करते हैं। वो आवाज़ क्यों करते हैं? जब गाड़ी बहुत तेज़ गति से चलती है और तेज़ गति से चलती है तो उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे हवा दबती है। वो हवा दबकर निकलने के लिए उसको स्थान कम मिलता है, जिसकी वजह से वो टायर है वो हवा मतलब कि आवाज़ करता है। उसी तरह जब आप गाड़ी बारिश हो जाती है, बारिश में जब आप गाड़ी चलाते हैं वही कंडीशन वहाँ तब आती है, गाड़ी बारिश में चलेगी तो टायर आवाज़ करते हैं पानी को उछालने का। क्यों करते हैं? क्योंकि पानी है वो टायर के नीचे दबता है, उसे बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। और इस हवा और पानी को या टायर के नीचे दबने वाले किसी भी तत्व को बाहर निकलने के लिए ही इस ट्रेड डिजाइन का है वो इसको बनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? आवाज़ को कम करना। जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी के टायर आवाज़ नहीं करे, वो चुपचाप चलते रहे, इसके लिए ट्रेड डिजाइन काटी जाती है। अब कुछ लोग कह देते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, आयु बढ़ाना। भैया ये टायर की आयु कैसे बढ़ेगी? अगर आप ट्रेड डिजाइन काट देंगे तो आयु बढ़ेगी या घटेगी? आपने तो उसमें से रबड़ है उसको काट के बाहर निकाला है, उसका जो कुल रबड़ था उसको तो आपने काट के बाहर निकाल दिया, उसमें खांचे बना दिया आपने। मतलब क्या हुआ? उसका मतलब होता है यानी कि आपका एक तो घर्षण बढ़ाना, ये मान सकते हैं हम, घर्षण बढ़ाना उसका मतलब हो सकता है, साथ में आवाज़ कम करना, ये दोनों हो सकता है। नंबर आपके यहाँ पे हो जाएगा 74, ग्रोस व्हीकल वेट किसे कहते हैं? भैया हिंदी में सकल यान भार, गुरुजी हमें हिंदी पढ़ा दो, यानी वाहन को अधिकृत वजन जो होता है वो सकल यान भार होता है। सकल यान भार किसी वाहन के लिए वो भार है जो एक वाहन अधिकतम वाहन वजन है वो ले जा सकता है। जैसे मेरे पास में कोई पिकअप है, अब मैं पिकअप से यहाँ पे लगभग माना कि 25 क्विंटल या 25 टन वजन ले जा सकता हूँ माना कि। अब ये 25 जो टन भार है जो आपके RC में लिखा गया है ये आपके वाहन का सकल यान भार है। क्या है? सकल यान भार है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रोस व्हीकल वेट का मतलब हो जाएगा सकल यान भार। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नंबर 75, नेशनल परमिट कितने राज्यों के लिए जारी किया जाता है? दोस्तों गृह राज्य सहित 4 राज्यों में,
ये कम से कम की बात हो रही है। नेशनल परमिट आपको कम से कम है यहाँ पे चार राज्यों के लिए, जिसमें गृह राज्य भी शामिल है, आपको लेना पड़ेगा। नंबर क्षेत्र है, नेशनल परमिट मल्टी एक्सल वाहनों के लिए कितने साल तक दिया जाता है, तो 15 साल तक दिया जाता है। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों मल्टी एक्सल, यानी बड़े जो एक्सल जिनमें दो एक्सल से ज़्यादा एक्सल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नेशनल परमिट मल्टी एक्सल के लिए 15 साल के लिए है, और नेशनल परमिट दो एक्सल वाहनों के लिए केवल 12 साल के लिए जारी वो किया जाता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान है वो रखना है। बात 78 नंबर पर करते हैं, पर्यटन वाहन। अच्छा, 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, थोड़ा सा हम इसकी स्पीड है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ऐसे चलते रहें और फास्ट करना है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि स्पीड इस क्लास की है वो बढ़ानी है या कुछ कम करनी है, तुरंत बताएं आप। पर्यटक वाहन परमिट वाहन मोटर कैब की आयु कितनी होती है, 9 वर्ष तक। पर्यटक जो वाहन होता है वो अगर मोटर कैब है, मोटर कैब अगर एक पर्यटक वाहन बनाया गया है तो उसकी आयु कितनी होगी, 9 वर्ष तक होगी, यानी कि 9 वर्ष तक ही उसे पर्यटक परमिट का है वो परमिट दिया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। लेकिन अगर कोई अन्य वाहन है तो मोटर वाहन के अलावा अन्य वाहनों को, यहाँ पर पर्यटक परमिट मोटर वाहन के अलावा अन्य वाहनों को आयु सीमा केवल 8 वर्ष तक होगी, यानी अगर मोटर कैब के अलावा कोई अन्य वाहन है तो उसको केवल 8 साल तक पर्यटक परमिट दिया जा सकता है। नंबर 80 है, हाथ संकेत जब चालक दाएं मुड़ता है तो कैसा देगा, हथेली आगे दायां हाथ बाहर होगा। बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। 81 पे चलो, कमेंट में आ रहे हैं कि जल्दी करो गुरुजी जल्दी करो, चलो कोई बात नहीं जल्दी कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, समय का अभाव सभी के पास में है, एग्जाम नज़दीक आ गया है। हाथ संकेत जब चालक बाएं मुड़ता है, चालक जब बाएं मुड़ता है तो क्या करेंगे, बायां हाथ, यहां पे गलत लिख दिया मैंने भी, यहां पे बायां नहीं होगा साथियों, यहां पे दायां होगा, कौन सा होगा, दायां होगा, दायां हाथ बाहर निकालें और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है साथियों। हाथ संकेत जब वाहन को धीमा करना है, धीमा करना, यहाँ पे भी बायां, पता नहीं बायां कहाँ से छप गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर वाहन को धीमा करते हैं तो यहाँ पर भी दायां हाथ बाहर निकाल कर बाहर और हथेली नीचे की ओर, हथेली कैसी होगी, वाहन धीमा करोगे तो नीचे होगी, और बाएं आप मुड़ते हैं तो आपको हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इनमें अंतर समझना है आपको, धीमा कर रहे हैं तो हथेली नीचे की ओर होगी, दाएं मुड़ते हैं तो आगे की ओर होती है। नंबर 83, हाथ संकेत जब पीछे के वाहन को आगे जाने का संकेत देना होता है, दायां हाथ बाहर निकालना होता है, हथेली आगे की ओर रहती है और हाथ को आगे पीछे वो करना होता है, ठीक है, देखो ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, आप ध्यान से समझ लेना, हथेली आगे की ओर होगी और ऐसे इसको घुमाया जाएगा, दोबारा बता देता हूँ मैं, हाथ को ऐसे घुमाया जाता है, भैया आगे चला जा, भैया आगे चला जा, निकल जा तू आगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन जो बाएं मुड़ते हैं ना, हम लेफ्ट में मुड़ते हैं, उसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है हाथ को, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर समझना है। प्रश्न 84 है, हाथ संकेत जब वाहन रोकना होता है, रोकना है स्थायी रूप से, तो आपको समकोण पर दायां हाथ है वो ऊपर उठाना पड़ेगा, जिसकी हथेली आगे की ओर होगी। 85 नंबर है, हाथ संकेत जब वाहन को छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर प्रवेश करना है तो क्या करेंगे, आपको दायां हाथ बाहर निकालना है, स्थिर रखना है, हथेली नीचे की रोगी, आपको हलाना नहीं है और हथेली नीचे की ओर रखनी है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है, वो समझ जाएगा कि ये किसी छोटे मार्ग से इस मार्ग में प्रवेश कर रहा है। प्रश्न संख्या 86 है, इग्निशन कोयल का उपयोग किस इंजन में किया जाता है, पेट्रोल वाहन में किया जाता है। सभी को पता है इग्निशन कोयल है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को वहाँ पर हाई वोल्टेज देती है और स्पार्क प्लग को हाई वोल्टेज देने में सहायता करती है। इग्निशन कोयल का कार्य क्या होता है, इसको घुघी भी बोला जाता है, बैटरी वोल्टेज को बढ़ाना, स्पार्क प्लग हेतु हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाती है ये इग्निशन कोयल। सोलेनोइड स्विच कहाँ पर लगा होता है, सेल्फ स्टार्टर में होता है। काम क्या होता है, सोलेनोइड स्विच है, सेल्फ स्टार्टर को स्टार्ट करने में मदद करता है, नहीं तो ये डायरेक्ट बैटरी से स्टार्ट होने में मोटर जल सकती है, इसलिए सोलेनोइड स्विच का प्रयोग किया जाता है। एयरबैग किसका बना होता है, नायलॉन फैब्रिक का बना होता है साथियों, सिलिकॉन की परत इसमें लगाई जाती है ताकि इसके अंदर जो हवा भरेंगे वो हवा बाहर नहीं जाए। नाइट्रोजन गैस इसमें है, जब इसको फुलाया जाता है तो नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। अभी नाइट्रोजन गैस कहाँ से आएगी साथियों, आपको बता दें इसमें दो प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है, एक होता है सोडियम एजाइड, एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये दोनों गैसें क्या करती है, जब इनको मिलाया जाता है, जब एक्सीडेंट होगा तो ये दोनों क्या है, जो ये दोनों पात्र होते हैं, ये पात्र क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे। जैसे ये फूटेंगे, फूटते या इन दोनों में मतलब कि ये आपस में गैसें मिल जाएगी, ये गैसें मिलेंगी तो ये बहुत ही फास्ट गति से मिनी सेकंड में ये एक्टिव होकर ये एक क्रिया करेगी, उस क्रिया से नाइट्रोजन गैस बनेगी।
वो नाइट्रोजन गैस है साथियों इस एयर बैग को फुला देगी। मतलब कि जो नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है वो सोडियम एजाइड और पोटेशियम नाइट्रेट जो गैसें होती है इनको मिलाकर आपस में क्रिया करने से एक मिनी सेकेंड में साथियों यहाँ पर एयर बैग फूल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पूछ लिया तो ये आपको जवाब इस प्रकार से देना है। प्रश्न आता है पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में किस गियर का प्रयोग किया जाता है? साथियों प्लेनेटरी गियरबॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अब इसका दूसरा नाम भी है एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स। साथियों ये नक्षत्र के सिद्धांत पे काम करता है। मामला क्या है गुरुजी, समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूं। जो आपका जो पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन का मतलब है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का मतलब है एक ऐसा गियरबॉक्स जिसमें क्या प्रयोग किया जाता है, एक ऐसा प्रयोग किया जाता है गियर एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक ऐसा होता है। सबसे जो बाहर का गियर साथियों ये रिंग गियर होता है सबसे बाहर का। सबसे बीच का गियर है ये सन गियर कहलाता है। इसके बाद पास में ये होते हैं ये केवल आपके गियर होते हैं। तो इनको यहाँ पे नक्षत्र के सिद्धांत पे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे सूर्य के चारों ओर जो सन मतलब नक्षत्र घूमते हैं उसी प्रकार से ये सन बीच वाला हो गया और ये बाहर वाला रिंग हो गया। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के गियर इसमें काम में लिए जाते हैं। तो इस गियर को एपिसाइक्लिक जो आपके गियरबॉक्स कहा जाता है इसी सिद्धांत के काम करने पर मतलब इसका प्रयोग है इसका नाम है वो एपिसाइक्लिक जो गियरबॉक्स है होता है। ये एपिसाइक्लिक का मतलब ये है नक्षत्र के सिद्धांत पे काम करना। नंबर 91 ब्रेक बूस्टर का कार्य क्या होता है? ब्रेक पेडल और ब्रेक मास्टर सिलेंडर होता है, इनके बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेक पेडल के बल को अधिक बढ़ाने। जैसे आप मतलब ब्रेक पेडल दबाएंगे तो आपने जो बल लगाया है, जो शक्ति लगाई है, जो पावर लगाई है, इसको बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेक बूस्टर का। यानी कि पेडल के बल को अधिक बढ़ाने के लिए इंजन की वैक्यूम शक्ति का प्रयोग करके ये क्या करता है, ब्रेक पेडल को दबाता है जिससे कि वाहन आसानी से अचानक रुक सकता है। आपके पैर द्वारा उपयोग किए गए बल को जोर देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 92 में आपके सामने है HSRP प्लेट पर इंडिया का लोगो किस लिपि में होता है? तो दोस्तों ये एरियल बोल्ड लिपि में होता है। किस में होता है? एरियल बोल्ड लिपि में होता है। नंबर 93 है मल्टी लेन पर भारी वाहन कहाँ पर चलाए जाते हैं? हल्के वाहन वो सबसे मध्य लेन में चलाए जाते हैं और ओवरटेक करने के लिए सबसे दायां लेन काम में आता है। अब बात करते हैं भारी वाहन की, भारी वाहन का तो बताया नहीं, तो भारी वाहन है दोस्तों सबसे लेफ्ट लेन में चलाए जाते हैं, लेफ्ट लेन में, ठीक है। तो आपको यानी कि सबसे जो बायां लेन होता है उसमें तो भारी वाहन हो जाएंगे, हल्के वाहन मध्य लेन में हो जाएंगे, ओवरटेकिंग लेन सबसे दाएं लेन में हो जाएगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नंबर 94 है वाहनों में प्रयोग होने वाला ऑयल का ग्रेड है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग संस्था द्वारा दोस्तों वाहनों में जो ग्रेड होता है ऑयल का उसको निर्धारण होता है। जैसे आपको अब याद रखना है यहाँ पर जो आपके स्टेयरिंग का होता है, स्टेयरिंग का 90 होता है, गियरबॉक्स का भी 90 होता है, क्लच का और ब्रेक का, इनका सभी को पता है DOT 3 और DOT 4 है वो होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। डिफरेंशियल में 3-4 प्रकार का काम आता है, जैसे आपके 90 का भी होता है और 140 का भी होता है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेडियल टायर किसे कहते हैं गुरुजी, बता दूँ? जिनकी बनावट समकोण पर होती है वो अधिक मजबूत होते हैं। जिस समकोण का मतलब ऐसे परतें चढ़ा दी, धागे रबड़ या जो भी है तार वगैरह, अब ऐसे चढ़ा दी, मतलब ये समकोण पर इनको बनाया गया है, ये काफ़ी मजबूत होते हैं, इसीलिए रेडियल टायर हमेशा वाहन में आगे प्रयोग किए जाते हैं। रेडियल टायर में जो इनके जो बनावट होती है वो समकोण पर होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मजबूत कहा जाता है। एक क्रॉस प्लाई होती है जो किसे कहते हैं, जिसकी बनावट क्रॉस में होती है, मतलब एक तो ऐसे हो गया, अब या तो देखो ऐसे हो जाएगा और इसमें ऐसे भी हो जाएगा, मतलब एकदम एक ऐसे क्रॉस में होती है, क्रॉस टाइप में इसकी बनावट है। यानी रेडियल और जो क्रॉस प्लाई है ये एक प्रकार की इनकी बनावट है। अब प्लाई रेटिंग का क्या मतलब होता है गुरुजी? टायर बनाने में कितनी परत चढ़ाई गई है वह है मजबूती को दर्शाता है। प्लाई रेटिंग का मतलब है टायर बनाने में कितने धागे, कितने रबड़, कितनी परतों का प्रयोग किया गया है, कितना मजबूत बनाया गया है, वो प्लाई रेटिंग बताती है। नंबर 98 है टायर की माप कहाँ से कहाँ तक होती है? बीड से बीड तक होती है, ठीक है। यानी बीड क्या होती है, अब गुरुजी बता दो। तो बीड आप सभी को होता है टायर होता है, टायर का एक अंदरूनी टायर भाग भी होता है, एक बाहर भी भाग होता है। ये बाहर का जो है ये आपका टायर के टायर का बाहरी डायमीटर होता है, एक जो अंदर होता है। दोबारा से बताता हूँ मैं यहाँ पे असली टायर बना के, ये टायर आपका हो गया एक, ये हो गया आपका ये अंदर का भाग हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये जो बाहर का है ये बाहरी डायमीटर है, ये बाहरी डायमीटर है। एक होता है साथियों ये अंदर का डायमीटर, ये जो अंदर का डायमीटर है इसको टायर की माप कहा जाता है। टायर की माप कहाँ होगी, ये जो अंदर का जो भाग है,
यहाँ पे दोस्तों इसको हम बीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीड बोलते हैं, अभी नाम आया था बीड, ये बीड हो गया। और इस बीड में क्या होते हैं, तार होते हैं, और ये जो बीड है ये आपके रिम से सटकर रहता है। तो अब टायर की माप बताएंगे, अभी टायर का माप क्या है, तो हम इस बीड का जो मतलब कि व्यास होता है, और व्यास किसे कहेंगे ये भी बता दो गुरु जी, तो व्यास होता है इससे लेके दोस्तों यहाँ तक को ये जो भाग है ये व्यास होता है, यानी कि टायर का अंदरूनी जो डायमीटर होता है वही टायर का माप होता है। या मैं कहूँ रिम, ये तो मैंने टायर की बात की है, रिम का बाहरी जो डायमीटर होगा वही तो यही होगा। तो या तो रिम का बाहरी डायमीटर या टायर का अंदरूनी डायमीटर, ये टायर की माप होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टायर की माप को किस में दर्शाया जाता है, इंच में दर्शाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों मान आता है जैसे 190/75/R16 ऐसे माप लिखा होता है। तो ये 190 क्या है, ये 190 आपके टायर की चौड़ाई है, यानी शोल्डर से शोल्डर के मध्य जो चौड़ाई है टायर की वो है, और इस चौड़ाई का 75% भाग है इस टायर की हाइट होता है, इसे हम एस्पेक्ट रेशो कहते हैं। आर का मतलब है टायर की बनावट कैसी है, रेडियल की मतलब समकोण पर है, 16 का मतलब है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 16 इसका डायमीटर है, मतलब टायर की माप है। अब जो ये 90 है और 75 लिखे हैं, ये दोस्तों क्या है, ये 190 लिखे हैं, ये दोस्तों आपके किस में लिखे हुए हैं, mm में लिखे हुए हैं साथियों, और जो आपके 16 लिखा हुआ है ये इंच में लिखा हुआ है। इनमें थोड़ा सा फर्क आपको समझना है, मतलब कि जो टायर का डायमीटर होगा वो हमेशा इंच में दर्शाया जाता है, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन जो टायर की माप होती है, टायर की माप में जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सॉरी टायर की माप नहीं, जो टायर की चौड़ाई है जो हमने शोल्डर से शोल्डर तक लेते हैं, तो ये चौड़ाई किस में होती है, mm में होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं, टायर की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होती है, शोल्डर से शोल्डर, और ये इसको दोस्तों किस में दर्शाया जाता है, mm में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं, आपको ये जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की एक क्लास कल और आएगी, इसमें टोटली मैं बताता हूँ यहाँ पे 200 क्वेश्चन तैयार थे, लेकिन क्लास काफ़ी लंबी हो जाने के कारण इस आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक स्टडी एट होम पे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, और आप अगर दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूं अब यहां पर कोर्स के अंदर क्रेश कोर्स चालू होने वाला है। तो आप अगर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आप इस क्रेश कोर्स को फ्री में प्राप्त कर पाएंगे। जो पहले से कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनको क्रेश कोर्स को अलग से नहीं लेना, उनको फ्री मिलेगा। तो यानी कि आप अभी भी हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। साथ में मैं बता देता हूँ, कोई छोटा मोटा अमाउंट अगर पे होता है किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अच्छी चीज़ों को पढ़ना है, अच्छे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, अच्छी तैयारी करेंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होंगे। दोस्तों जब आपका कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है कि उचित संसाधन, जो संसाधन आप जो पढ़ रहे हैं वो उचित है या नहीं है, वो आपको सक्षम बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर आपको यहाँ पे हमारी स्टडी आपको पसंद आती है, तो आप हमारे ऐप के अंदर जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स परचेज करने के लिए आपको मात्र अभी 399 का रुपये का चौचार देना है, लेकिन 26 सितंबर को आप परचेज करते हैं तो ये मात्र 333 में आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये 333 रुपए आपका जीवन बना सकते हैं, आपको अपने जीवन में यहां पर आपको सफलता दिलवा सकते हैं, आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा या अंधेरे में होगा इसका डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो ड्राइवर बनने का सपना है, इस ड्राइवर के सपने को आपको साकार कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप कहेंगे मेरी तैयारी फुल है, आप अभी माना कि 70 नंबर ला रहे हैं, और आप अगर हमारा कोर्स लेते हैं, उस कोर्स से आपको 5 नंबर का भी अगर ग्रोथ मिलता है, तो आपको पता है ये 5 नंबर है वो कितने काम के हो सकते हैं, ये 5 नंबर आपको सिलेक्शन दे सकते हैं साथियों। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि हर एक जो चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए वो हम यहाँ पे सिखा के छोड़ेंगे, हमारे बेहतरीन नोट्स है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, और आप कम समय में भी आप कोर्स को पढ़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स लेते हैं उसको आप पढ़ते हैं तो 40 से 45 घंटे में आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्रेश कोर्स पढ़ते हैं तो इसको मात्र आप 10 से 12 घंटे में पूरा कर लेंगे। तो क्रेश कोर्स के माध्यम से भी हम हर बात जो आपको सीखनी चाहिए वो सिखा के छोड़ेंगे, आप सीखेंगे नहीं फिर भी सिखाने का हम प्रयास है वो करेंगे। तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इन नंबरों पर संपर्क है आप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करके आप किसी भी प्रकार का जो डाउट आपका है, आप और भी डाउट है, आपको जिन प्रश्नों पे डाउट है साथियों वो डाउट आप हमें भेज सकते हैं, वो डाउट आपको यहाँ पर इसी प्रकार से, ये स्टूडेंट के ही डाउट है,
आज स्टूडेंट के डाउट ही मैंने करवाए हैं, और इसी प्रकार से हम अब लगभग जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर करा के छोड़ेंगे। किसी भी डाउट को यहाँ पर अब नहीं रहने देंगे, सारे डाउट क्लियर करके आपको एक बेहतरीन तैयारी के साथ में एग्जाम के लिए तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।